वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी लोगों को एक बोर्ड वायरिंग करना बताऊंगा जो कि 8x10 का बोर्ड है। 4 स्विचेस, 2 5-पिन सॉकेट, 1 2-पिन सॉकेट, 1 इंडिकेटर, 1 होल्डर। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, और आप जो है कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी आपको, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं बोर्ड की वायरिंग की तरफ। तो ये है ओरिएंट कंपनी का, मैंने इसमें स्विच सॉकेट लगा के रखा है जिससे कि आपका टाइम बचे, क्योंकि लगाने में कुछ है नहीं, बस बोर्ड कसना है दो सब में, बाकी तैयार है, होल्डर को कस देना है। तो इस तरीके से है ये बोर्ड। तो इसकी वायरिंग किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल पाए और आप अच्छे से सीख पाए। तो आप देख पा रहे 1 2 3 4 स्विचेस हैं, आपको चारों में एक वायर को इस तरीके से छील करके शॉर्ट कर लेना, लगा देना है। तो मैं पहले लगा लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इन चारों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल में एक वायर का टुकड़ा छील करके इसमें कनेक्ट कर दिया है और इन तीनों को अच्छे से टाइट कर दिया। इसको अभी अच्छे से टाइट इसलिए नहीं क्योंकि यहीं से अभी हमें वायर ले जा करके इस इंडिकेटर में देना है। ये देखिए इंडिकेटर, तो यहाँ पे भी इसको फेस चाहिए तो ये वायर यहाँ से जाएगा। तो एक वायर अब हम लेंगे इस तरीके से, उसको हम यहाँ से इसमें कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने एक वायर का टुकड़ा यहाँ पे जोड़ लिया है और ये वायर अब हमारा जाएगा इस इंडिकेटर में। ये देखिए इंडिकेटर को भी फेस चाहिए तो यहाँ पे जाएगा और यहीं पर से फेस हमारा इनपुट होगा। तो मैं इनपुट वाले को इसमें पहले कनेक्ट कर लेता हूँ आपस में, और उसके बाद अब हम इसमें इसे लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको इसमें कनेक्ट कर देना है और इसे वापस से टाइट कर देना है इस तरीके से। और आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरीके से टाइट करें। अगर आपका लूज होता है तो फिर आपको ये दिक्कत करेगा, मतलब स्पार्क करेगा, फिर ये वायर जलेगा और आपका सॉकेट का पॉइंट जलेगा। तो देखिए ये मैं इतना इनपुट मतलब निकाल लेता हूँ फेस को। ये देखिए फेस यहाँ से निकल चुका है, फेस यहाँ से आया इसमें गया और यहाँ से आया इन स्विचेस में चला गया। तो फेस का इतना मेन काम समाप्त हो चुका, अब बारी आती है फेस देने की। तो इस सॉकेट को इस स्विच से चलाएंगे, इस सॉकेट को इस स्विच से, होल्डर को हम इससे चलाएंगे और इस 2 पिन को हम इससे चलाएंगे। तो सबसे पहले हम फेस दे देते हैं सब में। तो जिसमें देखिए लाइन लिखा है ये होता है फेस। तो आपको वायर को यहाँ से इसमें इस तरीके से कनेक्ट करना है, इसको यहाँ पर और इसमें यहाँ से यहाँ पर और इसको यहाँ पे। तो पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फिर मैं आपको स्विचेस से सॉकेट और होल्डर में फेस दे दिया। देखिए यहाँ से फेस निकाल करके जहाँ पे लाइन लिखा है इसमें फेस चला गया और इसमें यहाँ पे लाइन लिखा मतलब फेस ये है, तो यहाँ से इसमें इस तरीके से कनेक्ट हो गया वायर। और या इसको फेस चाहिए तो इसको मैंने इस स्विच से यहाँ पे फेस दे दिया, मतलब इस स्विच से चलेगा ये, और इस होल्डर को यहाँ पर से दे दिया, मतलब ये इस स्विच से ये होल्डर चलेगा। तो बाकी अब फेस का काम हो चुका फाइनली समाप्त। तो अब बारी आती है न्यूट्रल की। तो अब मैं आपको न्यूट्रल कनेक्शन बताता हूँ। तो आपको न्यूट्रल इनपुट कराना है, उसके बाद आपको न्यूट्रल यहाँ देना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और उसके बाद आपको न्यूट्रल बाहर निकाल देनी है। तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ। तो आपको वायर लेना है और इस तरीके से इसको सबसे पहले यहाँ पे वायर को लगा देनी है, वायर अच्छी तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे इसे टाइट किया और आप इसे अच्छी तरीके से ही टाइट करें जिससे कि स्पार्किंग का डर ना रहे। और अब आप वायर को इस तरीके से करके यहाँ तक लगेगा, थोड़ा बढ़ा करके ही वायर को इस तरीके से कट कर लें और बस। अब आपको सिंपली बस इसी वायर को छील करके कनेक्ट कर देना है, और मैं पहले कनेक्ट कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से न्यूट्रल उठाया, यहाँ पे दिया न्यूट्रल और न्यूट्रल यहाँ पे दे रहे हैं हम, और यहीं से मैंने एक वायर को कनेक्ट कर लिया जो कि यहाँ पे न्यूट्रल हमारा इनपुट कराएगा। और मैंने इसे इस तरीके से देखिए यहीं पर ज्वाइंट कर दिया है जिससे कि लूज ना रहे बिल्कुल, वैसे भी बोर्ड टाइट हो जाएगा, लूजिंग का डर नहीं रहेगा। और अब आपको इसमें इस तरीके से इस वायर को लगा देना है और बस अब आपको इसे टाइट कर देना है और आगे इसी तरीके से कनेक्ट कर देना, बस बोर्ड रेडी है। तो देखिए इस तरीके से हमने न्यूट्रल यहाँ से यहाँ दिया और यहाँ पे दिया,
इस सॉकेट पर, टू पिन सॉकेट पर, और होल्डर में भी दे दिया और इस इंडिकेटर में भी दे दिया, ये देखिए इस तरीके से। तो न्यूट्रल का काम भी हो चुका समाप्त। तो इधर से इधर देखिए फेस आया यहाँ से, यहाँ से देखिए न्यूट्रल आया बस यहाँ पे आ करके। और अब मैं इसे यहाँ पर कट कर देता हूँ, ये देखिए आप अपने हिसाब से कट करिए, मतलब जितना लंबा आपको वायर चाहिए, मुझे बस टेस्टिंग करके आपको दिखाना है। तो मैं बस थोड़ा सा वायर ही छील लेता हूँ। तो बाकी इस तरीके से है इसकी वायरिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना आए वायरिंग करने में। वैसे आप वीडियो देख के करिए तो आपको ज़्यादा ही सही रहेगा। और यहाँ पे देखिए अर्थ के दो हैं, आप अगर अर्थ का कनेक्शन करना चाहते हैं तो आप अर्थ का कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे टेस्ट करके दिखाने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले मैंने इसमें लगा दिया, देखिए इस तरीके से इंडिकेटर जल रहा है। तो मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ, आप इस तरीके से इसे टेस्ट ना करें, आप पहले इसमें बोर्ड लगा लें पीछे का जो लकड़ी होता है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, मतलब कि करंट लगने का डर ना रहे, क्योंकि अभी खुला है और 230 वोल्ट की एसी सप्लाई है। तो अब मैं सबसे पहले होल्डर को आपको टेस्ट करके दिखा, देखिए मैंने होल्डर को लगाया और ये देखिए इस स्विच से ऑन ऑफ कर रहा है, क्योंकि मैंने इस स्विच से इसका कनेक्शन किया है। और अब हम लगाते हैं टेस्टिंग होल्डर पर बल्ब को और आपको टेस्ट कराते हैं ये सारे सॉकेट। तो मैंने इस सॉकेट पर लगाया इस तरीके से, देखिए बल्ब ग्लो किया और इस स्विच से देखिए बंद चालू भी कर रहा है। और अब हम इन सॉकेट को भी टेस्ट कराते हैं आपको, ये देखिए, और इस सॉकेट को भी मैंने लगा दिया और अब आप देख पा रहे हैं देखिए स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर पहली बार है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू।